नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। माय नेम इज गंगा। तो आज की मेरी वीडियो में आपको दिखाने जा रही हूँ स्टॉक परफॉर्मेंस एशियन पेंट का, मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो हमारा सॉफ्टवेयर थ्रू परफेक्ट एंट्री एक्सिट का कैसे आप ले सकते हैं, ये वीडियो थ्रू मैं आपको दिखाती हूँ। हमारा सॉफ्टवेयर एक्चुअली ओल्ड मार्केट में सपोर्ट करते हैं। इसमें आप ऑप्शन, इक्विटीज, कमोडिटीज, फॉरेक्स, कॉमिक्स, इंट्रोडीएक्स सभी एक ही स्क्रीन में देख सकते हैं। एंड इसमें आप इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग एंड स्कैल्पिंग इसके सेम स्ट्रैटेजी थ्रू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी दिखा रही हूँ इंट्राडे एशियन पेंट का 5 मिनट टाइम फ्रेम मैंने सेट किया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट रेट 3230 यहाँ पे जो चल रहा है वो मार्केट रेट है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ग्रीन कलर की अप आ रहा है, वो बाई करने का सिग्नल है। रेड डाउन आ रहा है, सेल है। सिग्नल सभी ऑटोमेटिक है। जैसे सिग्नल आएगा आपको इसी तरह की आपकी स्क्रीन में इसी तरह की अलर्ट मैसेज आएगा, वो भी एक साउंड इफेक्ट के साथ इसके अंदर लिखा हुआ आ जाएगा क्या रेट पर आपको बाई करना है, क्या रेट पर सेल करना है, वो प्राइस आपको अलर्ट थ्रू मिलेगा। सेम डिटेल्स आप ऊपर भी देख सकते हैं। आज का बाइक वाला में मिला था 3183 एंड द टाइम इज 9:20। आप देख सकते 30 पॉइंट ऊपर है मार्केट। अभी सॉफ्टवेयर ने जो टारगेट दिया था वो पूरा अचीव हो गया। दैट मीन्स जैसे सिग्नल आएगा सॉफ्टवेयर आपको 3 टारगेट लेवल्स भी देगा एंड स्टॉप लॉस भी देगा, वो भी ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है। आप देख सकते हैं नीचे टारगेट 1 3190 95 एंड 3201 लास्ट वाला टारगेट 3201 का था, वो भी अचीव हो गया। अभी मार्केट 3214 में चल रहा है। तो जैसे मैंने कहा सिग्नल तो ऑटोमेटिक है, लेकिन हमें ये देखना होगा वेदर वो सिग्नल कंफर्म है या नहीं। दैट मीन्स सभी सिग्नल पे आपको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। तो कंफर्मेशन चेक कैसे चेक करते मैं आपको दिखाती हूँ। अगर एक सेल बाय सिग्नल एक्टिव होगा तो फर्स्ट कन्फर्मेशन आप सीधे नीचे देखिए प्राइस यहाँ पे बाई ऑन करके राइट हैंड साइड पे नीचे प्राइस बाई ऑन करके लिखा हुआ आना चाहिए। एंड सेकंड कन्फर्मेशन एक्चुअली आप देख सकती हैं जो कैंडल है एरो है, एक कैंडल पे फर्स्ट कैंडल पे मिला है, लेकिन हमें एंट्री लेना होगा सेकंड कैंडल पे, क्योंकि हमारा जो एंट्री पॉइंट 83 है ना वो सेकंड कैंडल का ओपनिंग प्राइस है। तो सेकंड कैंडल पे आपको एंट्री लेना है। तो सेकंड कैंडल पे एंट्री लेने से पहले सेकंड कैंडल के नीचे जो बार है ना एक पट्टी जैसा, इसका कलर देखिए वो ग्रीन आना चाहिए। इनकेस वहाँ पर ग्रीन नहीं होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड कैंडल पे, थर्ड या फोर्थ कैंडल पे अगर आपको कंफर्मेशन मिलेगा तो भी आप एंट्री ले सकते हैं, मार्केट रेट पे एंट्री ले सकते हैं। तो ये सिचुएशन में एक्चुअली हम एंट्री ले सकते थे सेकंड कैंडल पे, क्योंकि आप देख सकते हैं जो रेड वाला स्टार रेसिस्टेंट लेवल है, ऑलरेडी रेसिस्टेंट को ब्रेक करके वहां पे बाय मिला था। तो चांस ज्यादा है 90% मार्केट ऊपर जाएगा। तो नीचे बार कंफर्म नहीं है, प्राइस यहाँ पे बाई जोन में होगा तो जरूर आप वहाँ पे ले सकते हैं। एनी वाइज वहाँ पे हमने थर्ड कैंडल पे एंट्री लिया तो भी आप देख सकते हैं काफ़ी मार्केट ऊपर गया। ऐसे इतना मार्केट काफी यहाँ पे इतना मार्केट 3290 तक ऊपर जाने के बाद जरा सा मार्केट नीचे जा रहा है। रेसिस्टेंट को आप देख सकते हैं ओनली ट्रेंड प्राइस जरा सा नीचे आ रहा है, लेकिन इतना भी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नहीं है। स्ट्रॉन्ग रिवर्सल होगा तो नीचे जो बार है ना वो सभी चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी भी वो ग्रीन में है। दैट मीन्स मार्केट अगेन ऊपर ही जाने की चांस है। रेसिस्टेंट को ब्रेक किया था 100% मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना सिंपल है, आपको मिलेगा आपके सिस्टम में 1 दिन का फ्री ट्रायल है। तो अगर आप ट्राई करके देखना चाहते हो तो जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए। एंड नीचे मेरा नंबर है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक दिया है व्हाट्सएप का, क्लिक कीजिए, डेमो रजिस्टर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।